एक बगीचे में कई सारे बच्चे खेला करते थे। खेलते समय वो एक बड़े पेड़ पर चढ़ते थे। कई सारे बच्चे इस पेड़ पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते थे, लेकिन तीन बच्चे ऐसे थे जो फिजिकली तो काफी स्ट्रांग थे, लेकिन मोटिवेशन और एफर्ट्स की कमी की वजह से पेड़ पर नहीं चढ़ पाते थे। जब भी वो चढ़ने की कोशिश करते, थोड़ा चढ़ते और फिर गिर जाते थे। ये सब देखकर बाकी सारे बच्चे काफी उनका मजाक उड़ाते थे। एक बुजुर्ग वहाँ ये सब कुछ देखा करते थे। एक दिन वो तीनों बच्चों के पास आकर उन्हें समझाते हैं और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का एहसास करवाते हैं। बुजुर्ग की बातों से मोटिवेट होकर ये तीनों बच्चे बड़ी आसानी से और सबसे तेजी से इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ये सब देखकर बाकी सारे बच्चे काफी सरप्राइज होते हैं। एक्चुअली हमारे शेयर बाजार के जो तीन बच्चे हैं वो है SBI, LT और ITC, जो काफी लंबे समय से मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फाइनली इन्होंने चलना शुरू कर दिया है। इनके ऊपर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा मीम्स भी बने थे, लेकिन लास्ट वीक इन्होंने मार्केट को शानदार तरीके से आउट परफॉर्म किया है। और SBI तो 40% के वीकली गेन के साथ लास्ट वीक का सुपर हीरो रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष मीना, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट स्वास्तिक एंड स्मार्ट लिमिटेड। इट वाज अ स्टोरी वीक फॉर द मार्केट, जहां निफ्टी ने पहली बार 15,000 के लेवल को टेस्ट किया और सेंसेक्स पहली बार 50,000 के लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। एट द एंड ऑफ द वीक निफ्टी और सेंसेक्स करीबन 10% की तेजी के साथ बंद हुए। अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिली, जहां सारे सेक्टर्स पॉजिटिव नोट पर बंद हुए। वहीं बैंक निफ्टी में करीबन 17% की तेजी देखने को मिली। All credit goes to our respected Finance Minister Nirmala Sitharaman, जिन्होंने growth-oriented budget पेश किया और बाजार का मूड खुश कर दिया। डेटा की बात करें तो एक छोटे से ब्रेक के बाद FIS फिर से भारतीय शेयर बाजार में लौट आए हैं। लास्ट वीक उन्होंने करीबन 13,500 करोड़ की खरीदारी की। हालांकि DIS की तरफ से बिकवाली देखी गई, उन्होंने करीबन 4,500 करोड़ की बिकवाली की। एवेन्यू डेटा की बात करें तो FIS का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग एक्सपोजर 62% पर है। वहीं पुट कॉल रेशियो 1.41 के लेवल पर है, जो मार्केट के लिए एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव संकेत है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, जहां निफ्टी को 15,000 के लेवल पर एक साइकोलॉजिकल हर्डल है। इसके ऊपर 15,250 से 15,300 नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। नीचे की ओर 14,750 इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वहीं 14,500 क्रिटिकल सपोर्ट लेवल रहेगा, क्योंकि 14,500 के नीचे फिसलने पर ही हम किसी मीनिंगफुल प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, जहां 35,000 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, जबकि 33,500 से 32,800 एक क्रिटिकल डिमांड जोन रहेगा। ऊपर की ओर 36,500 से 37,000 इमीडिएट सप्लाई एरिया है, उसके बाद 38,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। नेक्स्ट वीक के क्यूज की बात करें तो 12 फरवरी को आने वाले IIP और इन्फ्लेशन के डेटा काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा कई दिग्गज कंपनियां अपने नतीजे घोषित करने वाली है, जिसका असर भी बाजार पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्लोबल क्यूज और FIS का बिहेवियर मार्केट की डायरेक्शन में क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। तो ये था इस वीक का मार्केट सेटअप। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस और ग्रेट वीक अहेड।